नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में आज एक बार फिर से आपके लिए एक बार लेकर हाजिर हूं। यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। रूपा जी, देख रहे हैं यहीं से कि कैसे सीट के दिसंबर वायदा आज भी 6400 के लेवल्स पर कारोबार करता नजर आ रहा है। रूपा जी, 6500 के ऊपर भी निकला था बीच में अभी दो दिन पहले कैसे सीट का वायदा बाजार, लेकिन वहां पे एक सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली। आपको क्या लगता है, क्या आगे भी कैसे सीट का वायदा बाजार ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा? अखिलेश देखिए, कैस्टर्ड में जो बाजार है वो एक रेंज में फंस चुका है और जब बाउंस बैक आता है तो वहीं पर जाके सिमट जाता है। और अभी हम लंबे टाइम से देख रहे हैं 6400 के बाद 6600 तक मैक्सिमम अपसाइड पकड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता। अब जो ये लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो यही है कि जब तक 6600 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी नहीं आती, एक से दो ट्रेडिंग सेशन हम इसको क्लोजिंग नहीं देख लेते, तब तक इसमें टेक्निकली बूस्टअप आता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन फंडामेंटली अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट डिमांड्स अच्छे खासे पिकअप हुए थे, जिसकी वजह से बाजारों में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन बाजार अभी बहुत ज्यादा चल नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कि अभी ये सुस्ती के साथ ही कारोबार रहेगा इसके अंदर। दिसंबर वायदा में तो अभी फिलहाल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बाजार ऊपर जाएंगे बहुत ज्यादा, वही रेंज रह सकती है 6600 ऊपर में और नीचे में 6300। लेकिन जनवरी वायदा में जब तक 6600 के ऊपर नहीं टिकता मार्केट, तब तक इसमें तेजी नहीं बन रही है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो वापस से आपको 6800 तक एक बार बाजार जाएगा, और एक बार अगर इसने 6600 के ऊपर के रैली पकड़ ली तो 6800 से 7000 के स्तर भी संभव है देखने को मिल सकते हैं। वहीं नीचे में 6300-6200 की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जनवरी वायदा में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डिप आने पर उसमें एक बार खरीदारी करे और 6600 के ऊपर सस्टेन करे तो वापस से इसमें बाइंग और बनाई जा सकती है, जिससे वापस 6600-7000 के स्तर संभव है। लेकिन हाल फिलहाल में सुस्ती के साथ कारोबार है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, जब बाजार नीचे जाए तब इसमें बाइंग की तरफ आना चाहिए। जी, यानी कि ऊपरी स्तरों देखने के लिए ऊपरी स्तर पर सस्टेन होना भी जरूरी है, तभी कैसर में और एक अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी, अदरवाइज नीचे में 6200-6300 तक भी बाजार जाता हुआ नजर आ सकता है। इसे रूपा जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा हम देख रहे हैं 2600 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, कल को हमने बिनौला खल की कीमतों में एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा है, 2500 के बाद 2600 के लेवल्स कल ही अचीव होते हुए नजर आ गए थे, आज भी देख रहे हैं 2600 के ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल 2600 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होने में कामयाब हो पाएगा, और क्या अगले सप्ताह तक बिनौला खल में 2700 तक का भी लेवल देखने को मिल पाएगा? देखिए, उम्मीद तो है कि बिनौला खल में तेजी बन सकती है, क्योंकि देखिए डीओसी की भी मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है और इधर से बिनौला की भी डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, और दूसरा मांग के मुकाबले अभी जो है आवक भी काफी घटती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कीमतों में सुधार एक्सपेक्ट किया गया और मलेशिया एक्सचेंज के अंदर भी तेजी देखने को मिली है और पामोलिन की कीमतें भी ऊपर बनी हुई है। तो सारा जो सेगमेंट है वो तेजी वाला ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि जो बिनौला खल है वो 2800 तक ऊपर एक बार जा सकता है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से डिमांड फैक्टर अच्छा बनता नजर आ रहा है, तो बिनौला की जो मांग है ज्यादा बढ़ रही है, मंडियों के अंदर भी बिनौला खल और बिनौला तेल दोनों की मांग ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से बिनौला खल आने वाले दिनों में रूपा जी के अनुसार 2800 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। ये से रूपा जी, बात करें अगर धनिया की, तो धनिया का दिसंबर वायदा हमने कल को यानी कि बीते सत्र में 9100 के ऊपर ट्रेड करता देखा था, आज देख रहे हैं कि 8900 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या धनिया इसी रेंज में रहेगा, क्या धनिया अभी 9000 के नीचे ही देखने को मिलेगा, या भी 9000 के ऊपर भी के भी लेवल धनिया में फिर से देखने को मिल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल संभव है 9000 के ऊपर, अभी देखिए 9000 के ऊपर गया था तो उसके बाद से जो है वो ऊपरी स्तरों पर प्रेशर एक्सपेक्टेड भी था कि एक बार जो है 9000 के ऊपर निकलने के बाद ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और अभी जो है मार्केट जो है यहाँ से वापिस से बाउंस बैक ले सकता है। नीचे में देखिए 8800 के आसपास जो है इसका एक सपोर्ट है, उसके उसको अगर ब्रेक नहीं करता तो वापस से तेजी में आएगा मार्केट, और अभी करेक्शन हल्की फुल्की करेक्शन आई है, अभी बाजार में तेजी है और मुझे लगता है कि धनिया 9000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 10000 तक भी जा सकता है ऊपर। जी, तो यानी कि एक अच्छी तेजी धनिया में निकल के सामने आ सकती है, धनिया ऊपर में रूपा जी के अनुसार 10-11000 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। इसे रूपा जी, देख रहे हैं कि जीरे का दिसंबर वायदा आज कुछ हल्की नरमी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या धनिया यहाँ से 16000 के नीचे आज जा सकता है क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 16150 पर इस वक्त ट्रेड करता नजर आ रहा है।
देखिए जीरे की बात करें तो अखिलेश जीरे के अंदर जो है अभी बहुत ज्यादा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। मैंने पहले भी बोला था कि जीरा जो है मैक्सिमम अगर तेजी पकड़ेगा तो 17,000 तक की तेजी पकड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर अभी एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप नहीं हुए हैं। छुटमुट एक बाइंग आई है जिसकी वजह से बाजार सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन जनवरी वायदा देखिए आप और दिसंबर वायदा दोनों में आज 200 अंकों की गिरावट है, 1 से 1.25% जो है बाजार लुढ़के हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी जो रेंज है वो यही है 15,000 से 17,000 मैक्सिमम अपसाइड, इससे ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है जी। ये सुरूपा जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का दिसंबर वायदा देख रहे हैं कि 7,600 के घरों में कारोबार करता नजर आ रहा है। रूपा जी हमने हल्दी का दिसंबर वायदा 8,000 के भी ऊपर जाते हुए देखा है और फिर 7,800 के भी लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आया था, लेकिन अब देख रहे हैं एक बार फिर से हल्दी कहीं ना कहीं फिसलती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से कीमतें गिर रही हैं क्या ये और ज्यादा गिराएंगे या फिर यहीं पे एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी? देखिए हल्दी अभी यहाँ से जो मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्दी थोड़ा पॉजिटिव जा सकती है अगले महीने के वायदा में, अगर हम देखें तो एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्दी के अंदर आप मान के चलिए कि जो ऊपरी स्तर है वो 9,000 तक जनवरी वायदा में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दिसंबर वायदा में फिलहाल तेजी नहीं है, दिसंबर वायदा भी जो है 7,500 से 7,800 की रेंज है, जबकि अप्रैल वायदा में मुझे लग रहा है कि एक बार भाव जो है वो 8,800 से लेकर 9,000 तक ऊपर जा सकते हैं जी। ये सर रूपा जी बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का दिसंबर वायदा 10,833 पर कारोबार कर रहा है और ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 6,046 पर। रूपा जी आपने जो बताया था कि ग्वार गम और ग्वार सीड में जो गिरावट है वो और ज़्यादा गहरा सकती है, नीचे में कीमतें और ज़्यादा गिर सकती हैं, वैसा ही हम होते हुए देख रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या यहां से अभी कीमतें और गिरने की कुछ आशंका है? देखिए बिल्कुल अभी प्राइजेस के ऊपर दबाव है, आप देखिए अब ना जो मार्केट हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर अभी जो बाइंग आ रही है वो फिलहाल सोयाबीन के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है इंस्टेड ऑफ ग्वार। तो अभी ग्वार के अंदर एक बार फिर से बाजार जो है वो सुस्ती की तरफ जा चुका है, लगातार प्रेशर जो है हमें ग्वार के अंदर देखने को मिल रहा है, क्रूड के प्राइजेस क्रैश हो रहे हैं, इस वजह से भी ग्वार के ऊपर जो अभी जो लोग जो पहले एक तरफा बाइंग करते नजर आ रहे थे वो अब कहीं ना कहीं डर का माहौल है, इस वजह से अब बाइंग्स को अवॉइड भी करते दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो है प्राइजेस जो है पिछले जो एक अच्छा खासा हमें बुलरन आते हुए देखा था मॉनसून की वजह से जो क्रॉप के ऊपर डैमेज था या जो प्रोडक्शन कम था, ये सारी खबरें निकलने के बाद जो है हमने इसमें एक तेजी आते हुए देखी थी, अब कहीं ना कहीं ट्रेडर्स इससे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से प्राइजेस एक बार फिर से रुक से गए हैं और निचली स्तरों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी टेक्निकली अगर देखें तो हम 10,000 पर सपोर्ट है अच्छा खासा, अगर 10,000 के ऊपर बना रहता है तो वापस से बाजार ऊपर जा सकते हैं और एक तेजी बन सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इन लेवल्स के ऊपर ना तो सेलिंग करें बहुत ज्यादा और ना ही इसमें एक बार बाइंग करें, वेट करें। 10,000 का अगर लेवल नहीं टूटता तो वापस से मार्केट ऊपर आएगा और 11,000 के ऊपर निकले तो फिर से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं जी। ये सर ऊपर जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वायदा देख रहे हैं कि आज भी 6,600 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से हाजिर के अंदर हमने सोयाबीन को तेज होते हुए देखा है, प्लांटों में भाव तेजी से बोले जा रहे हैं, किसानों ने सोयाबीन को होल्ड करके रखा हुआ है और विदेशों में सोयाबीन के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं जैसे कि गेहूँ हुआ मक्का हुआ उनकी कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से सोयाबीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और उसी का असर दे है कि हम घरेलू वायदा में भी आता हुआ देख रहे हैं। तो क्या हाजिर में तेजी की वजह से वायदा में भी कुछ कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन बढ़ गई है? देखिए अभी बिल्कुल जो फंडामेंटल दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो सोयाबीन को ऊपर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन के साथ साथ अगर आप देखेंगे डीओसी की भी मांग बढ़ रही है और अदर जो एडिबल ऑयल पैक है उनकी एक बार फिर से डिमांड जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है, प्राइजेस में सुधार आ रहा है, सोयाबीन हो सोयाबीन दाना हो अगर मंडियों की बात करें तो लूज में भी इसके भाव में तेजी देखने को मिली है। दरअसल मांग जो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, आवक उसके कंपैरिजन में जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कम है, तो इस वजह से कीमतों में तेजी है। ना केवल सोयाबीन उछलता दिखाई दे रही है, इसका इंपैक्ट जो है आपको बिनोला के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो बिनोला के जो पिछले साल तक इस समय तक जो आवकें थी वो 90,00,000 गांठ के आसपास थी, जो इस साल घटकर 50,00,000 गांठ रह गई है, इस वजह से एक्सपेक्ट है कि बिनोला भी तेज हो सकता है। और सोयाबीन तो ऑलरेडी तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से भी एक बार जो है वो कहा जा रहा है कि इंपोर्ट को बढ़ा दिया जाए सोया केक के,
उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि प्राइजेस को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी प्राइजेस तेजी की तरफ है और आगे भी बाजार जो है वो तेजी में ही जाता हुआ दिखाई दे सकता है। प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस में अभी बूस्टअप आ सकता है करंट लेवल से भी, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बार अगर ये प्राइजेस 7,000 के ऊपर निकल जाते हैं तो वापस से आपको इसमें लंबी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि इसको 8,000 तक ले जा सकती है। तो फिलहाल के लिए जो सोयाबीन है वो तेजी की तरफ ही, जब भी करेक्शन आई इसमें बाइंग की जो है वो रणनीति बनाया जा सकता है, क्योंकि प्राइजेस अभी तेज नजर आ रहे हैं और दिसंबर वायदा में बाय करने की बजाय जनवरी वायदा में पोजीशन बनाई जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। 7,000 के ऊपर निकलता है तो आपको 8,000 तक के भी स्तर इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से अभी जो फंडामेंटल और सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है सोयाबीन के लिए, वो काफी ज्यादा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, किसानों के लिए अच्छी खबर है लेकर आ रही है सोयाबीन लगातार। और ये किसानों की ही मेहनत है जो उन्होंने जो अब स्टॉक करके सोयाबीन को रखा हुआ है, तो वो अभी और थोड़ा स्टॉक करके रखें, अभी कीमतें और अच्छी बनती हुई मिलती हुई नजर आ सकती हैं। अगर 7,000 के ऊपर सोयाबीन जाती है तो 8,000 के भी लेवल सोयाबीन की कीमतों में देखने को मिल पाएंगे, क्योंकि विदेशों में भी सोयाबीन की कीमतों में तेजी है, विदेशों में सोयाबीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और ब्राज़ील में सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहीं बात करें अर्जेंटीना की, जो काफ़ी बड़ा निर्यातक देश है सोयाबीन का, अगर वहाँ पे इस बार भी लगातार बारिश होने से सोयाबीन की जो फसलें हैं खराब होती नज़र आ सकती हैं, तो विदेशों में सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने से जो सोयाबीन की जो मांग है वो तो उतनी ही है, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा कम रह सकता है, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो डिमांड है और सप्लाई है उसमें अंतर गहरा सकता है और कीमतों में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल रुझान रूपा जी की तरफ से सोयाबीन में तेजी का ही रहेगा। इसे रूपा जी बात करें अगर कपास की, तो कपास में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि MCX कॉटन में हमने 34,000 के लेवल से 31,000 तक भी भाव गिरते हुए देखे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये जो निचले लेवल्स देखने को मिल रहे हैं क्या ये काफी अच्छे लेवल्स हैं कॉटन में खरीदारी करके चलने के लिए? देखिए, किया जा सकता है खरीदारी, लेकिन अभी ऊपरी स्तरों से वायदे के अंदर बाजार जो है वो लुढ़क चुके हैं। इस बार कपास के अंदर अच्छे खासे प्राइसेस आते हुए हमने देखे हैं। अभी जो तेजी है वो छुटमुट तेजी अभी और बन सकती है, लेकिन उससे पहले मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्शन में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे वायदा के अंदर हम देख रहे हैं कि बाजार जो है अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वापिस से इसके अंदर तेजी आ सकती है, क्योंकि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है और ऑलरेडी मार्केट तेज है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर सकता है और बाजार जो है इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। कपास में अगर हाजिर की बात करें तो 500 से 700 रुपए की तेजी और बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सर रूपा जी, मंडियों में कपास के क्या दाम आगे और देखने को मिल पाएंगे, जिस हिसाब से कॉटन में लगातार तेजी है और काफी ज्यादा खरीदारी भी देखने को मिल रही है? देखिए, जहां तक मंडियों में कपास की बात है, देखिए उनमें ना फिलहाल कपास के अंदर आवक जो है वो घटती हुई दिखाई दे रही है और अभी जो प्राइजेस हैं वो 8,500-8,700 के आसपास हमने पीछे आते हुए देखे हैं, जो सस्टेन है 8,500 रुपए, 8,000 नीचे में है और ऊपर में 8,500 तक जो है वो कपास अभी फिलहाल बिकती हुई दिखाई दे रही है। और अभी एक्सपेक्टेड है कि ये प्राइजेस जो है 9,000 के ऊपर सस्टेन हो सकते हैं, 9,000-9,500 तक फिलहाल बाजार बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर मेंथा ऑयल की, तो मेंथा ऑयल में आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा खास अच्छी मूवमेंट बनती नज़र नहीं आ रही है, तो क्या मेंथा में कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग इनिशिएट करना सही रहेगा या फिर थोड़ा दूरी बना के रखें अभी? देखिए, मेंथा में तो अभी अखिलेश मेरे हिसाब से दूरी ही बनानी चाहिए, अभी बाजार तेजी में नहीं है, छुटमुट आपको बाइंग दिखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी या थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक तेजी का नहीं है। इसके अंदर अभी डिमांड इन लेवल्स के ऊपर पिकअप होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मेंथा में फिलहाल मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर खरीदारी हो सकता है कि थोड़ा सा रिस्की हो, प्राइजेस नीचे जा सकते हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से इसमें अभी फिलहाल बाइंग नहीं करना चाहिए। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहा है। दर्शक जानना चाहते हैं कि सोयाबीन में कीमतें तेजी की ओर तो जा रही हैं, लेकिन जब कोई भी कमोडिटी की कीमतें तेजी की ओर जाती हैं तो उसमें ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली भी बनती है, निचले स्तर भी देखने को मिलते हैं। व्यूअर्स ये जानना चाह रहे हैं कि अगर सोयाबीन की कीमतें नीचे गिरती हैं तो नीचे में कहां तक जा सकती हैं और क्या उसके बाद सोयाबीन में फिर से तेजी निकलेगी?
देखिए कीमतें अगर लुढ़कती हैं तो देखिए यहाँ पर जो अब स्तर बन चुका है, अगर हम दिसंबर वायदा की बात करें या फिर जनवरी वायदा की बात करें तो देखिए जो लेवल है नीचे में एक बार 6200 तक लुढ़कता हुआ मार्केट दिख सकता है अगर करेक्शन आया, जो कि अभी 6600 के आसपास बाजार चल रहा है, तो 6200 से लेकर 5800 जो कि नीचे के लेवल्स हैं आ सकते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो एक बार मुझे लगता है कि ये लेवल्स आने से पहले तेजी बनेगी, उसके बाद करेक्शन का जोन आ सकता है। और तेजी जो है वो 6800 से 7000 तक की फिलहाल हमें दिखाई दे रही है कि मार्केट जा सकता है, वहां से करेक्शन दौर में आएगा। अगर करेक्शन आई वहां से तो फिर बाजार लुढ़क सकते हैं। लेकिन अभी बाजारों के अंदर देखा जाए तो डिमांड अच्छी खासी निकल रही है। आप देखिए हाजिर मंडियों के अंदर भी खरीदारी जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है और सभी लोग जो है अभी फिलहाल सोयाबीन की खरीद में लगे हुए हैं। और जिन लोगों ने पहले ऊपरी स्तरों पर माल खरीदा था कहीं ना कहीं वो वापस से निचले स्तरों पर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं ताकि प्राइसेस को ऊपर ले जाया जाए और फिर वहां पर माल को लिक्विडेट करें। तो इसीलिए जो भी आप माल खरीदे उसको ज्यादा लंबा होल्ड ना करें, एक तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करते चले, जो भी प्रॉफिट हाथ में लगे उसे लेते चले, क्योंकि बाजार जो है वो कभी भी यू टर्न में भी आ सकता है और कभी हो सकता है कि आपको एकदम से बहुत ज्यादा शार्प रैली भी दिखाई दे इसके अंदर। तो काफी स्पेकुलेशन भरा रह सकता है, उठापटक काफी देखने को मिल सकती है, इसलिए काफी कॉशियस होकर ट्रेड जो है इसके अंदर करना चाहिए अगर पोजीशन बनाए तो। जो भी छुटपुट भी अगर आपको लगता है कि करेक्शन का माहौल बन रहा है तो आप वहां पर फिर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं और अपने जो माल बहुत ज्यादा भी एक लेवल के ऊपर क्वांटिटी ना भरे, छोटी छोटी खरीदारी करें और जैसे जैसे प्रॉफिट मिले वैसे वैसे लेकर निकलते रहे। जी यहीं से रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ विनोद जी, जिनका सवाल मूंगफली को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं मूंगफली में आगे तेजी रहेगी या मंदी। देखिए मूंगफली में अभी सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर जो अपसाइड आ रहा है और विंटर सीजन का एक डिमांड है उसके चलते बाजारों के अंदर छोटमुट बाइंग आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी नहीं है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं कैलाश देवल जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन अभी बेचने से फायदा रहेगा या नहीं, ये थोड़ा रुक जाए। देखिए अभी बाजार तेजी में जा रहा है तो थोड़ा सा वेट कर ले, अगर आपको 6800-7000 का स्तर मिलता है तो वहां पर आप लिक्विडेट करें। जी राजेंद्र पटेल जी जुड़े हुए हमारे साथ, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, रूपा जी चने के बारे में जानना चाह रहे हैं, चने में अभी क्या करके चलना सही रहेगा, थोड़ा होल्ड कर लें या फिर लिक्विडेट करते रहें। देखिए चने में तो लिक्विडेट ही करना चाहिए क्योंकि अभी तेजी में मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ टाइम में बनती हुई दिखाई दे सकती है और चना वायदा से भी बैन हो चुका है, तो इसीलिए अभी प्राइसेस के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा जो उठापटक का मोल रहता था वो काफी कम हो गया है और अब प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और आगे चलकर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, अर्जुन जी जुड़े हुए हैं सोयाबीन को लेकर, सवाल है इनका कि आज सोयाबीन का बाजार कैसे रहेगा, ऊपर नीचे में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए इंट्राडे में जैसे कि ऊपर के लेवल जो है वो 6800 तक है और नीचे की बात करें तो आपको 65 से लेकर 6400 तक का लेवल्स हो सकता है कि अगर गिरा मार्केट तो 6400 तक जा सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ सुमोद गुप्ता जी, जिनका सवाल मक्के को लेकर आ रहा है कि मेज का आउटलुक कैसा रहेगा आगे जाके, क्योंकि हमने देखा है कि साल 2020 में मक्के का जो रेट है नहीं मिला और इस साल भी देख रहे हैं मक्के का कुछ जो रेट है ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या आने वाला नया साल मक्के के लिए कुछ बेहतर रह सकता है या फिर वो भी ऐसे ही रह जाएगा। देखिए मक्के में तेजी नहीं है अखिलेश अभी क्योंकि मक्के के प्राइसेस लगातार 2 साल से मंदे ही रहे हैं और अभी भी बाजारों में कोई माहौल नहीं है तेजी का, फिलहाल प्राइसेस के अंदर डाउनसाइड ही बना रह सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि जनवरी तक लहसुन में क्या भाव देखने को मिल पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं विंटर डिमांड भी है, कंजप्शन बढ़ जाता है लहसुन का ज्यादा, तो क्या लहसुन की कीमतों में जनवरी तक कोई खास तेजी बनती नजर आ पाएगी। देखिए अभी तो ये थोड़ा सा अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा अभी तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ एक विंटर सीजन की डिमांड के चलते थोड़ा सा बाजार जो है वो बूस्टअप हो सकता है, तो आप जनवरी तक आप मान के चलिए कि आपको करंट लेवल से तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है, छुटमुट अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं डीडी चौधरी, इनका सवाल कपास को लेकर, ये कपास का नेक्स्ट टारगेट जानना चाह रहे हैं कि कपास में अगला टारगेट क्या रहेगा।
देखिए अगला टारगेट जो है, एक बार अभी जो प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं 8,000 से लेकर 8,500-8,700 मंडियों में मैक्सिमम अभी ये देखने को मिल रहे हैं। और अभी इसके आगे जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइसेस जो है वो तेजी में जा सकते हैं, जो कि 9,000 से 9,500 तक सस्टेनेबिलिटी पर मार्केट जो है वो ठहरता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, दर्शक हैं सूरज तपड़िया जी, टर्मेरिक के बारे में जानना चाह रहे हैं। टर्मेरिक में कैसा रुझान है, आगे क्या कीमतें रहेंगी? देखिए हल्दी के अंदर अभी फिलहाल जो है ऊपर बाइंग किया जा सकता है अगले अप्रैल में हम एक्सपेक्ट करें कि 8,500 से 9,000 तक भाव देखने को मिल सकते हैं। जी ऐसे रूपा जी, योगेश जी जुड़े हुए हमारे साथ, जिनका सवाल जीरे को लेकर है। ये जानना चाह रहे हैं कि इंट्राडे में जीरा 16,200 पे बेच दें क्या, या होल्ड करें, या फिर निकल जाएं? देखिए जीरा अभी थोड़ा सा प्रेशर दिखा सकता है नीचे में 15,800 और ऊपर में 16,400 तक की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर अपसाइड आए तो वहां पर एक बार एग्जिट लेना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक हैं जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आया बिल्कुल अभी भी, ये जानना चाहिए इनके पास हाजिर में 200 टन के करीब सोयाबीन रखा हुआ है, क्या इनको अभी होल्ड करके चलना सही रहेगा? देखिए बिल्कुल आप तो कुछ एक लिक्विडेट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करके चले, एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक बार बाउंस दे सकता है ऊपर में, जैसा कि हम बोल रहे हैं 8,600 से 7,000 एक बार भाव आ सकते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक हैं जिनका सवाल लगातार मूंग सीड को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं आगे मूंग में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए अखिलेश, दालों के अंदर अभी फिलहाल दबाव है, बहुत ज्यादा भी गिरावट नहीं है लेकिन उठते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं बाजारों के अंदर अभी जो है, मुझे लगता है कि प्राइसेस के ऊपर प्रेशर ही रहेगा, तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, प्रकाश जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल प्याज को लेकर आ रहा है कि प्याज में आगे क्या रहेगा बाजार? देखिए अब प्याज में अभी जैसे नया अराइवल्स आना शुरू हो गया, लाल प्याज भी आ चुका है, तो अभी प्याज के ऊपर अब दबाव आ सकता है, जो तेजी आ रही थी वो अब थमती हुई भी दिखाई दी है और रिटेल में भी प्राइजेस नीचे आए हैं, होलसेल में भी प्राइजेस लुढ़के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब प्याज के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई देगी। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं आसाराम लडानी जी, जिनका सवाल कोकुडल को लेकर आ रहा है, बिनौला खल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि बिनौला खल में किन लेवल्स पे बाई करके चलना सही रहेगा, क्या जो करंट लेवल्स है उन पर बाइंग इनिशिएट करना सही रहेगा, या फिर थोड़ा वेट करें और थोड़ा निचले स्तर आने दें फिर बिनौला खल में खरीदारी करें? देखिए वेट भी कर सकते हैं अगर आपको करेक्शन मिलती है, कुछ एक खरीदारी आप यहाँ भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको यहाँ से करेक्शन ना देखने को मिले क्योंकि काफी सुस्ती के बाद अब बाजार उठा है और अब लगातार दो तीन ट्रेडिंग सेशन हो गए, हम देख रहे हैं कि ये 2600 के ऊपर सस्टेन है, तो आप कुछ एक खरीदारी यहाँ भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर भी बाइंग किया जा सकता है, आगे तेजी ही है, बाकी अगर 2600 के नीचे का लेवल मिलता है तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, अदरवाइज यहाँ पर भी बाइंग बनाई जा सकती है। जी रूपा जी, दर्शक हैं जिनका सवाल कैस्टर को लेकर आ रहा है, ये इंट्राडे में कैस्टर के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैस्टर में 6400 के लेवल्स पर ट्रेड किया जा रहा है, तो क्या आज कैस्टर में ये मंदी वाला माहौल देखने को मिलता रहेगा? देखिए आज इंट्राडे में दिसंबर वायदा नीचे में 6420 है, तो ऊपर में 6520 ये रेंज है, अभी 6470 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि ऊपर में पहले 6520-6540 तक जा सकता है। जी रूपा जी, रजत गुप्ता जी हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, ये सरसों के बारे में जानना चाह रहे हैं, सरसों में आगे क्या रुझान रहेगा, क्या कीमतें रहेंगी? देखिए सरसों में भी तेजी बन सकती है, सरसों में भी करंट लेवल से 200 से 500 रुपए का अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी बिल्कुल, अभी अभी दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, उगम सिंह जी हैं जिनका सवाल जीरे को लेकर आ रहे हैं, ये जीरे की ट्रेडिंग कॉल जानना चाह रहे हैं। देखिए जीरे की बात करें तो अखिलेश, जीरे में मेरे को बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, अभी करेक्शन है जीरा और आज भी इंट्राडे में एक बार हो सकता है 15,800 तक लुढ़कता हुआ दिखाई दे। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आज वो कौन सी कृषि फसलें होंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अगर मुझे लगता है कि बिनौला खल में आज खरीदारी करे तो मुनाफा देखने को मिल सकता है, बिनौला खल तेजी में है और इसी के साथ सोयाबीन, एज यूजुअल अगर आज डिप आती है तो डिप में आपको बाइंग करना है, 6520 के आसपास अगर मिलता है जनवरी वायदा तो वहां पर बाइंग करके चला जा सकता है। बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और किस में आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप वहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।